हरिनारायण भगवान की जय हो। भगवान राम जी ने कहा, हे गिरिराज जटायु, हे पिताश्री, स्वर्ग लोक में मेरे पिताजी मिलेंगे, स्वर्ग लोक में मेरे पिताजी मिलेंगे, तो मेरे पिताजी से ये मत कहना कि आपकी बहू का हरण हो गया है, उनको दुख होगा। आप तुम्हें पहले अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीख लो। हाँ, अब भगवान के सारे मतलब कर्म कीजिएगा और भगवान के भरोसे रहिएगा। अब कर्म ना करोगे तो भगवान हमें खैबे को दे दें तो कहाँ से दिए। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले नारायण भगवान की जय हो। राम जी ने कहा, हे पिताश्री, हे गिरिराज जटायु, जब मेरे पिताजी देवलोक से स्वर्गलोक के बीच में मिलेंगे, उन मेरे पिताजी से ये मत कहना कि आपकी बहू का हरण हो गया है। अगर कहोगे तो मेरे पिताजी को दुख होगा। और मैं अगर राम मैंने अवतार लिया है जो, तो रावण के पूरे वंश को मारने के बाद मैं अपने पिताजी को बताऊंगा करके। इधर गिरिराज जटायु ने भगवान राम जी की गोदी में प्राण छोड़े हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो। देहता जी धारी हारी रूपा, हरी हारी रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, बहुपट पीत अनुपा, हरिओ विशाल भुजचारी, आस्तुति करत नैन जलभा, हो बोले नारायण भगवान की जय हो। गिरिराज जटायु ने जैसे ही अपने शरीर से प्राण निकले हैं तो कहते हैं भगवान के रूप में प्रकट हो गए। कहते हैं गीदते तजी हरि धरि रूपा, और भगवान कहते हैं भगवान के रूप जैसे हो गए। और कहते हैं भूषण बहुपट पीत अनुपा, और कहते हैं चार भुजाएं गिरिराज जटायु की। कहते हैं श्याम गात विशाल भुजचारी, श्यामला वर्ण है गिरिराज जटायु का और भुजाएं चार है। कहते एक ब्रह्म के सामने लगता है कोई दूसरा ब्रह्म आ गया हो, राम जी के सामने कोई दूसरा ब्रह्म सामने हो आ गया हो। लेकिन कहते हैं चार भुजाएं श्यामला वर्ण है, कहते गले में पुष्पों की माला पड़ी है, बनमाल पड़ी है गिरिराज जटायु के। और कहते हैं आज रो रो के भगवान के चरण में विनती करते, प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया, अरे मैं मांस खाने वाला मैं पक्षी, और आपने मेरा भला कर दिया प्रभु। आज कहते हैं जिस समय प्राणों को त्यागा है स्तुति करने के बाद में, आज कहते हैं भगवान राम जी ने अपने धाम को गिरिराज जटायु को भेजा है। बोले नारायण भगवान की जय हो। अविरल भक्ति का वरदान मांगा था गिरिराज जटायु ने, भगवान राम जी ने अविरल भक्ति का वरदान दिया है। अविरल भक्ति मांगी भर गीत गये हरिधाम, की क्रिया जतोचित निज कर कीनी राम। भगवान राम जी ने अविरल भक्ति का वरदान देने के बाद में अपने धाम के लिए भेजा गिरिराज जटायु को। और कहते हैं प्रभु राम जी ने गिरिराज जटायु का उसी वन में अंतिम क्रिया किया है, अंतिम दाह संस्कार किया है गिरिराज जटायु का। अब भगवान राम जी आगे चले हैं, गिरिराज जटायु का उद्धार करने के बाद में, दाह संस्कार करने के बाद में आगे चले हैं। इसी बीच में एक राक्षस मिलता है जिसका नाम है कमंद। कमंद नाम का राक्षस मिला, भगवान राम जी ने उसका भी उद्धार किया। अब भगवान राम जी मैया शिवरी के आश्रम पे पहुंचने वाले हैं। शिवरी समार रास्ता, अरे आएंगे राम जी, शिवरी
संभारे रास्ता आएंगे राम जी। अरे मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य बनाएंगे। अपने अरी राहे बुहारती, आंखों से रोज अपने अरी राहे बुहारती। और प्यारी अरे काटे लगे न राम को, अरे काटे न लगे राम को, कोमल है राम जी। शिवरी संभार रास्ता आएंगे, और कवि भाव देता है। डलिया में बेर बागों से चुन चुन ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन ला रही। और प्यारे अरे खट्टे चाय हुए मीठे खाएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे। सबरी समार रास्ता आएंगे, कभी याद देता है। शिवरी संहार रास्ता आएंगे राम जी। बोले नारायण भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो।